अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे गुस्सा आना कैसा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से के बारे में क्या फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्से के एतबार से इंसान की चार किस्में हैं। कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी चला जाता है, ये लोग ना तो तारीफ के काबिल हैं और ना ही बुराई के काबिल हैं। कुछ लोगों को देर से गुस्सा आता है और देर से जाता है, ये लोग भी ना तो तारीफ के काबिल हैं और ना ही बुराई के काबिल हैं। तुम में बेहतरीन वो है जिनको देर से गुस्सा आए और जल्दी ख़त्म हो जाए, ये तारीफ के काबिल लोग हैं। तुम में बदतरीन लोग वो हैं जिनको जल्दी गुस्सा आए और देर से जाए, ये लोग बुराई के काबिल हैं। अब हम जानेंगे गुस्सा ख़त्म करने का तरीका। एक हदीस के मुताबिक एक या दो गिलास पानी पी लीजिए, लाजमी गुस्सा ठंडा होने लगेगा। दूसरी हदीस के मुताबिक खड़े या बैठे हो तो लेट जाइए, फौरन गुस्सा ठंडा हो जाएगा। एक और हदीस में फरमाया कि जब गुस्सा आए तो फौरन वजू कर लो। जब गुस्सा आए तो चाहे बुलंद आवाज में या चुप रहते दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाइए। जब गुस्सा आए तो उस जगह से कहीं और चले जाइए और हो सके तो पैदल चलिए, लंबी लंबी कम से कम 3 सांस लीजिए। और एक दुआ जिसे पढ़ने पर आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, औज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह की पनाह चाहती हूँ मैं शैतान मर्दूद से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।